हाय एवरीवन, तो आज मैं बनाने वाली हूँ रसगुल्ले का डलगोना कैंडी, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है। और हाँ, मैं 100% श्योर हूँ कि आपने इससे पहले रसगुल्ले का डलगोना कैंडी कहीं पे भी नहीं देखा होगा, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। चलो अब देखते हैं रसगुल्ले से डलगोना कैंडी बन भी पाता है या नहीं। आप बताओ कॉमेंट में बन पाएगा या नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पैन में इसे मेल्ट करने की कोशिश की, बट इसे मेल्ट करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं हम। उसके बाद मैंने इसमें शुगर ऐड किया है ताकि अच्छे से ना जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसकी जगह आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पे शुगर ऐड करी, आपकी चॉइस है। ठीक है, शुगर से क्या होगा ना, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अभी ये मेल्ट हो चुका है अच्छे से। और मैंने यहाँ पे डाला है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। अब हम इसको प्लेट में डाल देंगे। यार आप एक चीज़ बताओ, आपको रसगुल्ले पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, बट कुछ लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा मीठे लगते हैं, बट मुझे तो अच्छे लगते हैं। आप कमेंट में बताओ आपको ये कैसे लगते हैं। ठीक है, जल्दी से कर दो कमेंट। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेट में डाल दिया, उसके ऊपर बट पेपर लगा के ना इसको एक ग्लास से ना मतलब प्रेस कर दिया। और ये यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इस वजह से मैंने ना यहाँ पे हार्ट शेप का कुकी कटर यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था यार। उसके बाद मैंने इसको ना स्प्रिंकल्स के साथ और ज़्यादा अच्छा बना दिया है। ये है मेरा छोटा सा रसगुल्ला डलगोना कैंडी। ये टेस्ट में भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।